साल 1984, 2 और 3 दिसंबर की वो रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट के कर्मचारी आ चुके थे। सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। होता यूं है कि करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक रिएक्शन शुरू हो जाता है और टैंकर का टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंचता है और गैस बनने लगती है। टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगी, वॉल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टावर से गैस का रिसाव यानी कि लीकेज होना शुरू हो चुका था। वहां मौजूद कर्मचारियों को घबराहट होने लगी, वॉल्व बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजना शुरू हो गया। यहां तक कि आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन, खांसी, आंखों में जलन, पेट फूलना और उल्टियां होने लगी। पुलिस और प्रशासन सतर्क होता इससे पहले ही भगदड़ मच गई। इतने के बावजूद कारखाने के संचालक ने कहा कोई रिसाव नहीं हुआ है। कुछ देर बाद तो आलम यह था कि अस्पताल परिसर में ऐसे मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। कारखाने से खतरे का सायरन बजने और तबीयत बिगड़ने की वजह से लोग घरों से बाहर भाग रहे थे। हाल ये था कि अब पूरे शहर में गैस फैल चुकी थी। इस बीच गैस रिसाव पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन नींद के आगोश में समाये हजारों लोग पल भर में जहरीली गैस के मरीज बन चुके थे। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को करीब 10:30 बजे थाइल आइसोसाइनेट यानी कि लिक्विड MIC, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मोनोइथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड समेत 20 खतरनाक रसायनों से मिली गैस का गुबार यूनियन कार्बाइड के प्लांट से निकलकर भोपाल के आसमान में छा गया था। रात 1:00 बजते करीब 5,20,000 लोगों का यह शहर गैस के चैम्बर में तब्दील हो गया था। सरकारी कागजों में मरने वालों की संख्या 3,787 दर्ज की गई है, जबकि अदालतों में दाखिल दावों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 15,000 से भी ज्यादा है। गैस पीड़ितों के लिए काम कर रही संस्थाओं के मुताबिक 1984 से लेकर अब तक गैस लीक और उससे होने वाली बीमारियों की वजह से 35,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 दिसंबर की सुबह तक भोपाल के अस्पताल के मुर्दा घर लाशों से पट गए थे और 3 दिन 3 रात तक लगातार बिना रुके लोगों को दफनाने और जलाने का काम भोपाल के शमशान घाटों पर चलता रहा। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य प्रबंध अधिकारी वॉरेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका भाग निकला था। हालांकि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस त्रासदी के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की हम आपको बता दें कि 29 सितंबर 2014 को मौत हो चुकी है। बात करेंगे फरवरी 1985 में, जब भारत सरकार ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ $3.3 बिलियन का केस किया था। 1986 में सभी लिटिगेशन भारत में ट्रांसफर कर दिए गए अदालती कार्रवाई में, जिससे कि मदद हो सके। 1985 में भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट को केंद्र सरकार ने पास किया, जिससे कि आगे की कार्रवाई आसानी से हो सके। 1987 में भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किए गए, जिसमें कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को 350 करोड़ का अंतरिम मुआवजा देने के आदेश दिए, जिसे हाई कोर्ट ने कम करके 250 करोड़ रुपए कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उस वक्त की केंद्र सरकार और यूसीसी ने स्पेशल लीव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की और 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के बीच एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में यूनियन कार्बाइड पर $470 मिलियन की फाइनल सेटलमेंट की राशि तय की गई। और साथ ही सेटलमेंट में यह भी लिखा गया कि आने वाले वक्त में यूसीसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, इस सेटलमेंट में रीओपनर क्लॉज भी नहीं था। ये क्लॉज इसीलिए जरूरी था क्योंकि यूनियन कार्बाइड से लीक हुआ गैस का असर कितना भयानक है ये अभी तक तय नहीं हो सका था।
ये राशि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 3.3 बिलियन डॉलर के मुकाबले केवल 15% थी और इसलिए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर किए गए। लेकिन 3 अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट को वैध करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत ये दी कि यूनियन कार्बाइड के खिलाफ किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, इस हिस्से को अवैध करार कर दिया। भोपाल के गैस पीड़ित आज भी, आपको बता दें कि मुआवजा बढ़ाने के लिए अपने हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। वहीं ICMR ने 24 अध्ययन किए और पाया कि मौत के कारण सांस लेने, इम्यूनिटी सिस्टम, आंखों में तकलीफ, गर्भधारण, न्यूरल सिस्टम, मांसपेशियों की तकलीफ, अनुवांशिक बीमारियां मिल रही हैं। लेकिन इन रिपोर्ट्स पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, बल्कि गैस से होने वाली मौतों का दस्तावेजीकरण 1992 में बंद कर दिया गया। 1994 में ICMR को रिसर्च के काम से हटा दिया गया और रिसर्च का काम MP सरकार ने CRS पर छोड़ दिया, जिसने आज तक इस क्षेत्र में कोई खास रिसर्च या कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। इस गैस ने भोपाल को मोतियाबिंद, भूख ना लगना, अनियमित मासिक धर्म, बार बार बुखार आना, थकान, घबराहट, फेफड़े की तकलीफ, कमजोरी, किडनी की तकलीफ और अपंगता का शिकार बना दिया। आज भी गैस पीड़ित सही इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं अगर हाल की बात की जाए तो कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर भोपाल में गैस पीड़ितों पर देखा गया है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि जो लोग गैस ट्रेजेडी के शिकार थे, उन पर कोरोना का संक्रमण जल्दी फैला है। इतना ही नहीं, कोरोना से मरने वालों में भी गैस पीड़ित सबसे ज्यादा है। देश 3 दिसंबर का दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में याद करता है। इस हादसे में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। चुनाव के मौसम में कुछ वादे भी किए जाते हैं, सभाएं लगती हैं, रैलियां निकलती हैं, भाषण दिए जाते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है इंसाफ। कुछ कम नहीं होता तो इस त्रासदी से जूझ रहे लोगों का दर्द और इस मेन मेड डिजास्टर में अपनों को खो देने वालों के आंसू।